वहीं प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है ताकि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आएं और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचकर दर्शन कर सकें। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने ये कहा है कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है जिससे कि शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुछ सब्सिडी का, उसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था, और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है स्नोबाउंड एरिया उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का एडिशन हुआ था। चूंकि उस समय विचलन से किया गया था तो आज उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त किया है, और साथ में उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पर ये देखा गया है जिन जिन स्टेट्स में ये सब्सिडी दिए गए थे लोगों ने अपने कनेक्शन को स्प्लिट करके लेना शुरू कर दिया था, किसी कंज्यूमर का 300 यूनिट का कंजम्पशन है तो वो उस कनेक्शन को 3 भागों में स्प्लिट करके परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पे लेने का, तो उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये डिसीशन लिया गया था कि लोगों के कुछ एक मांगे थी उस समय से, तो जिसके संदर्भ में आज माननीय कैबिनेट द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक तो जो साल में एक बार आपको वेतन वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि जो लोग 31 जून के एंड में और दिसंबर के एंड में जो रिटायर होते हैं उनको उनके द्वारा पूर्ण साल की सेवा तो दी गई होती है लेकिन उनको इंक्रीमेंट का लाभ वो जब रिटायर होते हैं तो उसके पेंशनरी बेनिफिट में वो जुड़ता नहीं है, तो इसके संदर्भ में काफी मांग थी उसके संदर्भ में, उसको सकारात्मक विचार करते हुए अभी जो भी व्यक्ति 30 जून को या फिर आपके 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी, इसका निर्णय आज किया गया। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2009 है उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी, तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन जो एक एक्ट है हमारा उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई।